नेटफ्लिक्स पर फेबुलस लाइव ऑफ बॉलीवुड वाइव्स का थर्ड सीजन खूब धमाल मचा रहा है। इस बार दिल्ली की शानदार लेडीज के जुड़ने से इस सीजन में चार चांद लग गए हैं। आपको बता दें कि जहां इस बार दिल्ली की शानदार लेडीज इस सीजन से जुड़ रही हैं, तो वहीं उनके जुड़ने के बाद शो में एक नया ट्विस्ट आ गया है। खास तौर से बास्को ग्रुप की चेयरमैन संजय पासी की पत्नी शालिनी पासी ने नेटफ्लिक्स के नए शो में अपने अनोखे और दिलचस्प लाइफस्टाइल से सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं बटोर ली है। चाहे वो घर में चार बार कपड़े बदलने की बात हो या फिर लेडी बॉडीगार्ड के साथ टशन में घूमने की बात हो। इस बीच आइए आज आपको उनके दिल्ली वाले महल की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं और उनके घर की खासियत बताते हैं। शालिनी पासी की खूबसूरती देखकर उनकी उम्र का आप अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। 45 से ऊपर की उम्र में भी वो बला की खूबसूरत नजर आती हैं। एक कुशल आर्ट कलेक्टर होने के नाते शालिनी ने अपने दिल्ली वाले आलिशान घर को हजारों आर्ट से भर रखा है। कहना गलत नहीं होगा कि आर्ट और लग्जरी उनके घर के कोने कोने में सांस लेती है, जिससे उनका घर एक चलती फिरती आर्ट गैलरी जैसा लगता है। दिल्ली के गोल्फ लिंक इलाके में स्थित शालिनी पासी का आलिशान घर एक आर्ट म्यूजियम जैसा है। 14 बेडरूम वाले इस आलिशान घर में शालिनी अपने हस्बैंड संजय और बेटे रॉबिन के साथ एक लग्जूरियस लाइफ बिता रही हैं। पहली नजर में ही आपको इस घर की बनावट पसंद आ जाएगी। बता दें कि आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट ने इसे स्वाइपिंग कर्व ऑफ ए होम कहा था। ये घर एक बूमरैंग की तरह बना हुआ है, एक शानदार लॉन की ओर खुलता है। बता दें कि इस घर की एक दीवार गोल्ड रिम्ड मिरर से सजी हुई है, जिसके साथ शालिनी कई बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट देती आपको नजर भी आ चुकी हैं। शालिनी के घर में SH रजा की एक एक्रेलिक पेंटिंग भी सजी हुई है, जिसे उन्होंने कई बार अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया है। उनका पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा शालिनी को आर्ट से कितना प्यार है। उनके घर में कोने कोने पर आर्ट सांस लेती है। उनके घर के कोने कोने पर स्टैचूज हैं, पेंटिंग्स हैं और उनके इवन दो फर्नीचर्स भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जीता जागता एक आर्ट आपके सामने है। शालिनी अपने घर के एक एक चीज को और आर्ट को इतना पसंद करती हैं कि वो काफी सोच समझ कर चीजें सिलेक्ट करती हैं। इस घर की फोटोज में सबसे पहले आपकी नजर एक बड़ी बुद्धा की मूर्ति पर जाएगी, जो कि शालिनी के लॉन में है। उनके घर के लॉन में एक 25 फीट ऊंची बुद्धा की मूर्ति है, जो कि आप सभी का ध्यान उसकी ओर केंद्रित करेगी और एकदम बिल्कुल आई कैचिंग है। अगर आप इनकी तरफ देखेंगे तो आपकी नजर और आपका ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकता है। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शालिनी ने कहा था कि मैं हमेशा से कला और अनोखी चीजों से जुड़ी रहना चाहती हूँ। मेरे लिए कला सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब मैं कोई खूबसूरत चीज देखती हूँ तो मैं उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं म्यूजियम में जाती हूँ, पुराने सामान की दुकानों में घूमती हूँ, कपड़ों के कपड़े को छूकर देखती हूँ, पत्थरों की बनावट को महसूस करती हूँ। मैं हर चीज की खूबसूरती और इसके इतिहास यानी कि हिस्ट्री को समझने की पूरी कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति में चीजों की समझ और रुचि होना काफी जरूरी है। शालिनी ने अपने नए शो में कहा कि उन्हें कई चीजों में इंटरेस्ट है। वो और उनके हस्बैंड संजय पासी 20 साल से आर्ट कलेक्ट कर रहे हैं और आप उनके घर की फोटोज अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि संजय और शालिनी आर्ट के कितने बड़े दीवाने हैं, क्योंकि उनके घर के कोने कोने में एक आर्ट का एसेंस छिपा हुआ है। चाहे वो फर्नीचर हो, बेडरूम हो, वॉल हो, हर जगह अगर आप शालिनी के इंस्टाग्राम फीड पे जाओगे तो आपको कई सारी ऐसी फोटोज मिलेंगी जो आपको लगेगा कि ये किसी आर्ट म्यूजियम की है, पर वो आर्ट म्यूजियम नहीं, शालिनी पासी का एक आलिशान बंगलो है।